देखिए, ये तो मैं बीजेपी की बौखलाहट मानूंगा, किस चीज को एंटीनेशनल कहते हैं। हमने कहा बिजली के रेट कम करेंगे, ये एंटीनेशनल है। हमने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये एंटीनेशनल है। हमने कहा पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करेंगे जो आपने बाहर निकाली, ये आप ये एंटीनेशनल है। हमने कहा पीओके रिफ्यूजीज को जो बाकी कंपनसेशन है वो जल्द से जल्द मिलाएंगे, क्या ये एंटीनेशनल है। हमने जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की बात की, हमने जम्मू में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने की बात की, सच सेंटर की बात की, बराबर हॉस्पिटल देने की बात की, क्या इंटरनेशनल इसमें इसको नजर आया। जो काम आपने नहीं किए, जो आपने लोगों के साथ वादे किए थे आपने नहीं किए। जब हमने कहा कि हम ये हमारी सरकार अगर आएगी हम ये पूरे करेंगे, इसमें इंटरनेशनल क्या है। तो बाकी जब हमने आपके साथ सरकार बनाई एजेंडा ऑफ लंच पे तब हम नेशनलिस्ट थे, आज हम आपके खिलाफ हैं तो इंटरनेशनल है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की इन बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये किन की बात करते हैं मुझे बताइए, जिसके लिए कहते हैं कि ये बात है। तो इन्हीं को तो जब भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपील कर रही थी कि आप चुनाव लड़िए, याद है ना आपको, ये इन्होंने तो कहा था। मैं समझता हूं कि इन चीजों से कोई, देखिए अगर कोई देश के खिलाफ हो तो हम उसके खिलाफ है, लेकिन उसकी आड़ में अगर आपने किसी को तंग परेशान किया तो अगर उसकी बात करते हैं, हकदार को हक मिलने की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल कहां से हो सकता है। बाकी एक बात उसमें बड़ी क्लियर है, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है अभी तक वो तो रिलीज नहीं है, 5-10 साल से तो ये सरकार बना के यहाँ पे चल रहे हैं। अब इनको मैनिफेस्टो नहीं, इनको वो दे देना चाहिए रिपोर्ट कार्ड। मैनिफेस्टो नहीं होना चाहिए बीजेपी का, बाकी पार्टी का मैनिफेस्टो, इनका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि इन्होंने 5 सालों में क्या किया। जो मैंने वादे गिनाए हैं, इन्होंने बिजली सस्ती की, इन्होंने पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई, इन्होंने तो निकाली है, इन्होंने हमें जो हमारा स्टेटस जो हमारे जो हक हकूक थे वो किए, इन्होंने क्या मुझे बताइए। जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को, माइग्रेंट जो थे उनको वापस कश्मीर ले गए, उनकी लात में उन्होंने काम किया। तो मैं जो समझता हूँ कि बीजेपी की जो वादे थे वो खोखले साबित हो गए। आज बीजेपी मैनिफेस्टो नहीं रिपोर्ट कार्ड लेके आएगी तो उसके ऊपर बात करेंगे।